नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुमन और आज मैं एक ज़रूरी टॉपिक पर आपसे बात करूँगी। कभी कभी लोग इस टॉपिक पे बात करना खुलकर पसंद नहीं करते और लोगों को बताने में उन्हें हिचक ही होती है। उनके वाजिना से डिस्चार्ज होना, उन्हें समझ में नहीं आता किस डिस्चार्ज को नॉर्मल मानना है और किसको अबनॉर्मल। यूनि से डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन अगर ये डिस्चार्ज हरा रंग का हो रहा है तो फिर ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आइए इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहले योनि से डिस्चार्ज होना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमारी जो वैजिना होती है, योनि है, उसके अंदर जो सर्विक्स से ग्रंथियाँ हैं उसमें से रिलीज होता रहता है। सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज है, वो रिलीज होता रहता है। ये ज़रूरी भी है, ये वहाँ की योनि को सुरक्षा रखने के लिए, आपके अंदर बैड बैक्टीरिया इंट्री ना कर जाए, वहाँ हेल्दी बैक्टीरिया को बना करके रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बाहर की इम्यूनिटी से ये इम्यूनिटी वहाँ पर बनी रहती है, जिससे कि बाहर के बैक्टीरिया से ये वहाँ की सुरक्षा करता है। यह एक पदार्थ होता है जो कि वाइजिना में स्थित सर्विक्स और ग्रंथियों में से रिलीज होता रहता है। ये वहाँ की डेड सेल्स और बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करता है और बाहर की इन्फेक्शन से, बाहरी बैक्टीरिया से आपके योनि की सुरक्षा प्रदान करता है। जब कभी इसमें बदलाव आते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन बढ़ने का कारण होता है, सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वहाँ की डिस्चार्ज में कुछ बदलाव आ गया है, वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन में ग्रोथ हो गया है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण होता है। और दूसरा सबसे मेन कारण है STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिजीज, सिर्फ सेक्स से फैलने वाली बीमारी के कारण ये बढ़ जाता है। कभी कभी योनि के अंदर गांठ होने से भी आपको सफ़ेद पानी की जगह हरे रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। जब भी आपको हरे रंग का डिस्चार्ज हो तो फिर समझना है आपको कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की बात है। यह एक यौन संचारित इन्फेक्शन है, जिसे हम ट्राइकोमोनोसिस नाम का एक पैरासाइट के रूप में जानते हैं। ये इन्फेक्शन जनरली सेक्स से ही ज़्यादा फैलता है। आपने सेक्स किया है, अनप्रोटेक्टिव आपने इंटरकोर्स किया है, आप उस समय कॉन्डम का यूज़ नहीं करती हैं, या फिर कॉन्डम के फटने के कारण आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटर डिजीज़ की फैलने की ज़्यादा चांस रहती है। आप गलत तरीके से यौन संबंध बनाते हैं और कभी कभी आप एक से ज़्यादा यौन संबंध बनाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आइए जानते हैं कि अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके कुछ लक्षण हैं जिसको आप कैसे पहचानेंगे। इसमें आपको हरे रंग का गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, आपको लगेगा कि आपके वाइजिना से अचानक से बदबू बहुत ज़्यादा आने लगी है। इसमें आपको दर्द भी हो सकता है, जब भी आपको ये डिस्चार्ज होगा तो आपको पेन भी होगा, आपको हो सकता है कि इसमें खुजली भी बहुत ज़्यादा हो, ईचिंग करने का बहुत ज़्यादा मन करे आपको। आपको अगर ये इन्फेक्शन के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन में क्या यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको कॉटन की पैंटी यूज़ करनी है, लाइलोन या फिर कोई अदर मटेरियल आपको यूज़ नहीं करना है। सेक्स के बाद अपने आप को अच्छे से वॉश करना है, सेक्स के टाइम अपने पार्टनर को इन्फेक्शन ना हो जाए, इससे बचने के लिए आपको कॉन्डम ही यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको कुछ दिन सेक्स करने से बचने हैं, आपको तुरंत एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। आपको बाथ टब में नहीं नहाने हैं, आपको नीचे ईचिंग ज़्यादा नहीं करने हैं। आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग करने का मन हो रहा है तो भी आपको ईचिंग नहीं करने हैं। आपको सेक्स के बाद अपने आप को वॉश करने हैं, यूरिन के बाद अपने आप को वॉश करना है। आपको कोशिश करना है कि जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर्क करें।